हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे भी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 25 सितंबर सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं, जीके के, करंट अफेयर के, साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपको हर एक शिफ्ट का एनालिसिस की वीडियो मिलती रहे, जितनी भी मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर रहा हूं और ऑनलाइन टेस्ट ले रहा हूं, उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, मैं की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूं, यहां पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और हो सके तो यार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ, हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपका लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ भी आप इसकी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, आपका सिक्के किस चीज के बने होते हैं? तो ये कॉपर प्लस निकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने फर्स्ट शिफ्ट के भी इंक्लूड किए हैं, तो ये मत बोलिएगा कि ये क्वेश्चन तो आए नहीं थे सेकंड शिफ्ट में। तो मेरा मोटिव जो रहता है वो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोवाइड कराना रहता है कि आपको कम से कम टाइम में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा दो ताकि आपकी कुछ हेल्प हो जाए। तो ये मत बोला करें कि ये सेकंड शिफ्ट में नहीं आए थे, तो कुछ क्वेश्चन इसमें फर्स्ट शिफ्ट के भी हैं, ये पहले से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आपको हो गया, ये को वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके, तारे जमी पर एजुकेशन प्रोग्राम कहाँ पर और किसने शुरू किया था? ये आपका झारखंड में शुरू हुआ था, झारखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। इंडिया को कौन सी लाइन क्रॉस करके जाती है? तो कर्क रेखा, इंग्लिश में बोले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धातु के पास यानी कि मेटल के पास कौन सा चार्ज होता है? तो आपको ऑप्शन में देखे थे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव आंसर लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट, आपका 2018 का फिटनेस एक्टर अवार्ड किसको मिला? ये आपका अक्षय कुमार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक था आपका कंचनजंगा बायोस्फीयर किस राज्य में है? ये आपका आई थिंक सिक्किम इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट आपका है, फ्लोवर रिप्रोडक्शन रिलेटेड क्वेश्चन था। अब एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लोवर रिप्रोडक्शन रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जादू टोना कौन से वेद में आता है? तो ये यजुर्वेद में आता है। अब देखिए, वेद से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो चार वेद होते हैं, बट इनके बारे में थोड़ा थोड़ा तो पढ़ के जरूर जाइएगा। कल आपका थर्ड शिफ्ट में आया था कि संगीत कौन से वेद में आता है, तो संगीत आपका आता है सामवेद में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं पूछे जा रहे हैं, तो इन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एनालिसिस का मतलब ये होता है कहाँ से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उन टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। एक था आपका, ताप्ती नदी कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। देखिए, आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, आपका रेगुलेटिंग एक्ट पास कब हुआ था? 1773 में। ये भी आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। एक था आपका, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, आर डी एम के क्षेत्र पार्टी किस राज्य से संबंधित है? ये आपका तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे एक था प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल, ये कल भी आया था और ये आज भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट गैस ऑन अर्थ, ये आपका नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक था आपका, सेला दर्रा सुरंग कहाँ पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल सॉल्यूशन की पीएच मान यहाँ पे पूछा गया था, तो इसका भी पीएच मान आपका राइट आंसर 7 ही हो जाएगा, ठीक है। जो आपका प्योर वाटर होता है तो उसका भी आपका 7 होता है, तो इसका भी आपका 7 ही हो जाएगा, ठीक है। एक है आपका, जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो जीटी रोड का निर्माण, जो देखिए जीटी रोड का कई शासकों में मतलब इसका निर्माण हुआ था, बट जो फाइनल कराई थी, जो मतलब पूरा कंप्लीट कराया था, वो शेर शाह सूरी ने कराया था। तो इसका राइट आंसर हमेशा शेर शाह सूरी ही लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एंड करा था इसका, जो पूरी कंप्लीट कराई थी वो शेर शाह सूरी ने कराई थी। और हमेशा एक चीज का याद रखिएगा, कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये किसने स्टार्ट किया था और किसने इसको कंप्लीट कराया था, ठीक है। वैसे आपके एग्जाम में नहीं आएंगे ये, आपके एसएससी सीजीएल और ये कुछ इन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक था आपका क्वेश्चन, मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, नीति कौन लागू करता है? तो आरबीआई करता है, ठीक है। जितनी भी मनी से रिलेटेड आपकी जो भी पॉलिसी होती है वो आरबीआई स्टार्ट और मतलब लागू करता है, ठीक है।
एक आपका जो क्वेश्चन था बाहुबली मूवी से, दोबारा से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, बट एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं पता है, बट अगर आप इसमें डायरेक्टर पूछा गया होगा तो किसने डायरेक्ट की थी, SS राजमौली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खुल्लम खुल्ला बुक किसकी है, ये ऋषि कपूर जी की है, ये भी आपका शायद क्वेश्चन आज पूछा गया था, ठीक है। तो ये तो थी आपके क्वेश्चन। देखिए अभी कुछ क्वेश्चन बहुत ही कम मिल पा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट के होंगे वो मुझे थर्ड शिफ्ट तक मिलेंगे जाके, तो थर्ड शिफ्ट इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो आप तक कोई नहीं पहुंचा सकता, वो मैं कोशिश करता हूं किसी न किसी तरीके से पूछ करके और बहुत सारा टाइम लगा करके उनको निकालने की और फिर आपको बताने की, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अप्रिशिएट किया करें कामों को जितना भी मैं कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में आपको कई चैप्टरों से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट अगर मेन चैप्टरों की बात की जाए वो स्टेटमेंट कंक्लूजन आपका है, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चंस जिससे पूछे जा रहे हैं आज, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले, मतलब 4-5 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग भी कहीं ना कहीं अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसलोगिज्म से आपके 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो डायरेक्शन भी आप देख लीजिएगा। डायरेक्शन से आपके कुछ आइडिया नहीं, अभी आइडिया भी मैं सॉरी अभी आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली में मुझे खुद थोड़ा बहुत आइडियाज है वो नहीं मैं अभी बता रहा हूँ। शाम के टाइम आपको डायरेक्शन का 1-2 क्वेश्चन ही करा दूंगा और अच्छे से पूछ करके बच्चों से, ठीक है। वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लोक कैलेंडर से तो आ रहे हैं पहले से ही, एक क्वेश्चन आपका सीरीज और आपका हो गया वेन डायग्राम मैंने बताया था, मिरर इमेज काउंटिंग फिगर से भी 1-2 क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन मतलब देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन था कि 15 अप्रैल 1988 को कौन सा दिन था, तो ये दिन निकालना और ये कि इससे कोई भी ऐसा सन दे दिया जाता है वो बहुत ही आसान होता है और मैं आपको हर एक शिफ्ट में शायद इसको करा ही रहा हूँ, एक दो शिफ्ट को छोड़ करके। यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ और अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए, मतलब जो आपका कैलेंडर वाला चैप्टर है उसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा रखी है टेलीग्राम में, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, ये डे हो जाएंगे कितने 15, ठीक है। ईयर यानी कि सॉरी आपका अप्रैल के लिए कोड क्या है 6, ईयर कितने हो जाएंगे लास्ट के 88 ले लेंगे और यहाँ पे आप इसको जो रिमाइंडर बचे वो कितना होगा 22, यानी कि आपका जो लीप ईयर होंगे वो कितने होंगे 22 हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी को 7 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 131 डिवाइड बाई 5, तो 5 आपका सॉरी 7 तो 5 आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। 131 को 7 से भाग करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, जो 5 रिमाइंडर का मतलब है फ्राइडे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन तो ये था, एक क्वेश्चन था आपका 2764 नेक्स्ट आपको बताना था यहाँ पे क्या आएगा, 216 आपका ऐसे कुछ लिखा था, ठीक है। तो इनका बहुत ही सिंपल सा आपको दिख भी रहा होगा कि ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी क्यूब हो जाएगा, ये 4 का क्यूब हो जाएगा, ये 5 का क्यूब नेक्स्ट क्या होगा 125 और 6 का क्यूब आपका 216, यानी कि 5 का क्यूब आ जाएगा 125 राइट आंसर। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है और कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। एक था आपका कथन निष्कर्ष, ठीक है, सभी पत्थर छोटे हैं और सभी छोटे बड़े हैं, तो यहाँ पे आपको सभी वाली कंडीशन फुलफिल करनी है वेन डायग्राम में, तो सभी के सभी पत्थर आपके क्या है छोटे हैं, तो इस तरीके से आप बना लेंगे, ठीक है, सभी के सभी पत्थर छोटे हो गए। फिर दूसरा बोला सभी छोटे बड़े हैं, तो सभी के सभी सबसे पहले पत्थर आया फिर छोटे आए फिर उसके बाद सभी के सभी छोटे बड़े आए, ठीक है, तो इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, सभी बड़े निष्कर्ष देख लेते हैं, सभी बड़े छोटे हैं, तो सभी बड़े छोटे नहीं हो सकते, सभी बड़े छोटे कब हो सकते हैं, जब बड़े के ऊपर को आपका छोटे का डायग्राम आएगा, यानी कि जो सबसे बाहर वाला डायग्राम छोटे का होगा तब ये वाली कंडीशन हो सकती थी, तो पहले वाला तो आप रोंग मतलब हटा देंगे, ठीक है, सभी बड़े छोटे नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे बोला गया सभी छोटे पत्थर हैं, तो सभी छोटे पत्थर कब हो सकते थे, जब छोटा जो है, ठीक है, जो छोटे हैं छोटे के ऊपर आपका पत्थर वाला डायग्राम आ जाए, तो पत्थर तो इसके अंदर है छोटे के, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि दोनों ही ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके के आप जरूर क्वेश्चन सारे करके आ सकते हैं। एक क्वेश्चन था आपका एनालॉजी से कुछ इस तरीके का, सी के को JF लिखा जाता है तो GT को क्या लिखा जाएगा, तो सी के यानी कि सी के आपको में नेक्स्ट आपको क्या किया गया है +7 करके और के में आपको क्या किया गया है -5 करके F लिखा गया है, तो यानी कि +7 और 5 -5 चल रहा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे। जी में से आप +7 करेंगे तो N आ जाएगा और जी में से -5 करेंगे तो आपका वो आ जाएगा, तो नो NO इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैं आपको एक चीज़ समझाई थी, अगर आपको इनके अल्फाबेट के नंबर नहीं पता है, ठीक है, तो क्या करना है आपको A से M तक और M यानी कि नीचे फिर M के नीचे N और N से Z तक इस तरीके से लिखिए, इनके ऊपर ही, ठीक है, यानी कि A B C इस तरीके से लिखेंगे और नीचे इनके नीचे ही लिखते चलिएगा,
ठीक है, और उनके ऊपर नंबर डाल लीजिएगा। और ये काम आपको कब करना है, जाते ही एग्जाम में बैठते ही इस काम को कर लीजिए, जब आपको रफ पेपर मिलता है। मुश्किल से 30 सेकंड लगेगी और इस टाइप के क्वेश्चन आप सेकंडों में कर लेंगे। अगर आपके याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके याद है तो आप तो मतलब ग्रेट है, याद तो वैसे होने चाहिए सभी बच्चों के, क्योंकि अगर आप रीजनिंग करते हैं तो रीजनिंग में ये चीज़ याद नहीं की तो फिर रीजनिंग मुश्किल है। मतलब आपके कई क्वेश्चन तो बहुत सारे जो पूछे जाते हैं ऐसे छोड़ के आने पड़ेंगे, ठीक है। और एक जो मैंने ट्रिक बताई आपको, जाते ही लिख लेना, ये भी एक ट्रिक ही है, इसको लिख लीजिएगा, बहुत हेल्प कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप लिखने की कोशिश करते हैं जब आप क्वेश्चन करते हैं तो टाइम कहीं ना कहीं ज़्यादा लगता है। फिर एक क्वेश्चन है आपका 130 को लिखा गया आपका 68, ठीक है, 350 को क्या लिखा जाएगा, इस तरीके से आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया गया 2 से, ठीक है, यानी कि 130 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 65, और 65 में आपको 3 से प्लस कर दिया गया तो ये 68 हो गया, ठीक है। तो 350 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 175 हो जाएगा, 175 में आप 3 प्लस करेंगे तो 178, यानी कि 178 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखिए रीजनिंग की मुझे एक बहुत अच्छी बात ये लगी, जितने भी बच्चों से बात हुई है सारे बच्चों ने, मतलब अभी तक का रिकॉर्ड है ये कि जितना सर आपने पढ़ाया वो सब कुछ मतलब सफिशिएंट है, उससे बाहर नहीं निकल रहा है कुछ भी। रीजनिंग बहुत ही आसान भी आ रही है, और जितना मैंने पढ़ा रखा है ना उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलने वाला है। सब कुछ अगर आपने वीडियो देख रखी है, अगर आपने 15 वीडियो का कोर्स भी देख लिया ना रीजनिंग का, वो भी सफिशिएंट है रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो रीजनिंग बिल्कुल भी हार्ड नहीं आ रही है अगर आपने सारी वीडियोस देख रखी होगी। और मैथ की भी यही कंडीशन है, मैथ में कुछ एक दो चैप्टर हैं जो मतलब मैंने कवर नहीं कराए, उनमें से दो चार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर मैंने जितने भी चैप्टर कराए अगर आपने वो सारे पढ़ रखे होंगे तो उसमें से भी आपके सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। बहुत कम मतलब डिजिट चेंज हो रही है, क्वेश्चंस चेंज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपका 2 से 3 बार कोर्स कंप्लीट कराया था। एक बार पहले कोर्स कंप्लीट कराया, फिर रिवीजन कराया, फिर आपके क्रैश कोर्स में भी कंप्लीट कराया, ये समझिए तो 3 बार कोर्स कंप्लीट कराया था अगर आपको ध्यान हो तो। तो यहाँ पे मैथ का देखा जाए तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, पाइपन सिस्टम से क्वेश्चन है, बोर्ड मास से एक से दो क्वेश्चन है आपके, ठीक है। एलजेब्रा से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं अभी 1 से 2, और ट्रेन से हो गया। अब की बार आपका ना बार ग्राफ पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी तक आपका क्या था, जो था वेन डायग्राम, सॉरी जो मतलब ये फिगर वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, इसमें कितने 60 डिग्री ये दे दिया। अब बाइक बार ग्राफ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मेंसुरेशन हो गया आपका, ठीक है, और स्क्वायर रूट, एलसीएम, एचसीएफ हो गया। एज से क्वेश्चंस हैं, एसआईसीआई से भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। कुछ जगह मतलब ये होता है कि मैं जैसे अलग अलग बच्चों से बात करता हूं, तो कुछ जगह पे एसआईसीआई से क्वेश्चंस हैं और कुछ जगह पे नहीं है, तो ऐसा भी हो रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि ऑल ओवर इंडिया आपका जो क्वेश्चंस एक शिफ्ट में पूछे गए वो सब जगह एक ही जैसा पूछा जा रहा होगा, थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है। डिजिट तो चेंज होती होती है, ये तो मतलब कन्फर्म है, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी चेंज रहते हैं, लेवल वही रहता है बट क्वेश्चंस चेंज रहते हैं। तो एक क्वेश्चन था आपका, एक्स का अगर 76% निकाला जाए तो 95 आएगा, तो एक्स की वैल्यू बताइए। तो बहुत ही सिंपल है, एक्स की अगर आप 76% निकालेंगे तो 76 अपॉन में 100 करेंगे, ठीक है, और ये 95 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, जो आप कैलकुलेट करेंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 76 एक्स हो गया तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 95 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड कर देंगे 76 से, तो ये कितनी बार चला जाएगा भाई, इसको 19 से कट करेंगे 4 टाइम, और ये भी 19 से कट करेंगे 5 टाइम, तो 5 की ये आपका 4 से कट हो जाएगा 100, 25 और 25 की 5 में करेंगे तो 125 एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था आपका ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया था 3 साल में 850 कोई अमाउंट हो जाती है, ठीक है, कोई धनराशि है जो 3 साल में बढ़ करके जितने भी वो मूलधन था उससे बढ़ करके 850 होगी, फिर 4 साल में वो 925 हो गई। अब पूछे प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी, यानी कि वो मूलधन कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो बहुत ही सिंपल होता है, 3 साल में बढ़ के इतने हुआ, 4 साल में बढ़ के इतना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस निकला 75, इधर ईयर का देखा 1, यानी कि 1 साल का 75। क्यों बोला मैंने 1 साल का 75 इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज में आपका जो फर्स्ट ईयर में लग गया वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी सेम रहेगा। तो यहां पे 1 साल का इंटरेस्ट आपको 75 मिल गया, तो 3 साल का कितना होगा भाई, 200, यानी कि 3 के मल्टीप्लाई कर देंगे 225 आ जाएगा, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका 225 आ गया, ठीक है। अब 850 में से अगर मैं 225 को माइनस कर दूं तो ये क्या आएगा, इसमें से अगर मैं 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दूँ इस अमाउंट में से तो आपका प्रिंसिपल बचेगा ना, तो 625 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझे इस चीज़ को भाई, ये 3 साल का अमाउंट है, अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब होता है कि जिसमें आपका जो मूलधन है वो भी इंक्लूड है और जिसमें साधारण ब्याज है वो भी इंक्लूड है,
ठीक है। तो अगर मैं इसमें से साधारण ब्याज माइनस कर दूं, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दूं, तो इसमें मूलधन बचेगा केवल प्रिंसिपल, और वही तो पूछा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 625। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन था आपका कुछ इस तरीके से कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती हुई, एक व्यक्ति जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है पार करती है, रेलगाड़ी व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। देखिए, एक आदमी जा रहा है यानी कि इस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जा रही है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 180 मीटर है, और आदमी की तो कोई लंबाई नहीं होगी, मतलब वो तो चल रहा है भाई, ठीक है, एक पतला सा आदमी होता है वो चल, उसकी स्पीड तो हो सकती है बट उसकी कुछ ऐसा लंबाई नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जा रहा है, आप पूछा कि रेलगाड़ी इसको कितनी देर में पार करेगी, वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों की जो चाल दे रखी है, इसकी 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है और इसकी 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो इनकी चाल का आपको डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? इनकी चाल का आपको डिफरेंस लेना है, वही मतलब यही मेन चीज़ है इसमें, ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। और जब भी रेलगाड़ी किसी भी पतले खंबे को पार करती है या भी किसी खड़े हुए आदमी को पार करती है, उसमें आपको क्या करना होता है, रेलगाड़ी की लंबाई और दोनों चाल का यानी कि डिफरेंस हम लेते हैं, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे कितनी है, 180 मीटर है, और जो इनकी चाल का डिफरेंस हो जाएगा भाई 20 मीटर है और यहाँ पे 10 मीटर है, तो दोनों इन दोनों की चाल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 ही आ जाएगा। तो सीधा सीधा आपको 180 को डिवाइड करना है 10 से, तो कितना हो जाएगा 18 सेकंड, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका और ये बहुत ही आसान था, आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए, ये आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन तो नहीं था, ये तो मेरा मतलब पहला पुराना क्वेश्चन, एक बार मैंने आपको कवर भी कराया था, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, वो मुझे क्वेश्चन तो नहीं पता चला है, जैसे मैंने बात करी मतलब कुछ समझा नहीं पाया बच्चा, बट मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन ऐड किया है, तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे करना है। यहाँ पे बोला गया किसी थैले में 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोटों की संख्या इस रेशो में है। देखिए ये नोट हैं और इनके नोटों की संख्या दे रखी है इस रेशो में, उस थैले में के अनुपात में है। यदि इस थैले में कुल 3300 रुपये हो तो उसमें 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी, आपको क्या निकालना है, 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों का जो रेशो है वो कितना है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीधी सीधी सी बात ये देखनी है आपको भाई, ऑप्शन ये दे रखा है, ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि 50 आपने लिख लिया, ठीक है, 20 लिख लिया और 5 लिख लिया, उनके नीचे उनके रेशो भी लिख लिए, ठीक है, उनके नीचे उनके रेशो भी लिख लिए। अब आपको ये चेक करना है कि 4 में यानी कि जो रेशो है इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि इनमें से बिल्कुल सीधा सीधा आपका ऑप्शन बन जाए। अब एक चीज़ तो ये हो गया, एक चीज़ ये होता है कि रेशो से डिवाइड करके देखिए, अगर 4 से आप इसको, ये 50 का रेशो क्या है, 4 है, तो इसको डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन में आएगा तो छोड़ दीजिए, अभी के लिए तो छोड़ दीजिए, अगर बिल्कुल कंप्लीट डिवाइड होता है तो तब नेक्स्ट स्टेप पे चलिए। 50 को हम डिवाइड करके देखेंगे 4 से तो तब भी नहीं होगा, इसको करेंगे हो जाएगा, इसको भी करेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब हमें आंसर मिल चुका है ये वाला है, क्योंकि मतलब अगर पूरा क्वेश्चन देखें, बट हमें चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करके देखेंगे कि यही आंसर है क्या, ठीक है। अगर मैं इस 4 में 10 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 40 हो जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मुझे आंसर मिल चुका ना कि ये 40 हो जाएंगे, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 40 है, मेरे हिसाब से तो मिल गया, बट इसको चेक भी तो करना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। तो इसको चेक कैसे करेंगे, अब 40 कैसे बनेगा, अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 10 में कर दूं तो 40 बन जाएगा, अगर मैंने 10 की यहाँ पे कर दी तो सभी में 10-10 की आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी 5 इसमें करेंगे तो इसके 50 हो गया, और इसमें भी करेंगे तो कितना हो गया, 60 हो गया, यानी कि मैंने ये सभी के नोटों की संख्या हमें पता चल गई, ये 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 40, 20 के नोटों की संख्या कितनी है, 50, और 5 के नोटों की संख्या कितनी है, 60। अब इनसे हम रुपए भी देख लेते हैं निकाल के, भाई 50 रुपए का जो नोट है उसके 40 नोट है उस थैले में, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने, 2000 रुपए, तो 50-50 के हैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 की करेंगे हम 50 में, तो 1000 रुपए ये हो गए, ठीक है, और 5 की हम करेंगे 60 में, तो 300 रुपये ये हो गए। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं इन सभी को प्लस करूँ तो मेरे कितने होने चाहिए, 3300 रुपये होने चाहिए। तो प्लस करके देख लीजिए, अगर ये 3300 बैठते हैं तो आपका राइट आंसर है, अगर नहीं बैठते हैं तो आपका आंसर सही नहीं है। तो ये देख लीजिए, 2-3000, ठीक है, और 300-3300, इसका मतलब आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप उसको जरूर करके आएंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और ये अभी तक देखने को नहीं मिला था, ये पहली बार सुनने को मिला है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसको डेफिनेटली करके आ जाएंगे, ठीक है। मतलब सबसे पहले जो भी पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ पे 5 ये पूछा जाता है कि 20 के नोट कितने हैं, तो आप 5 से डिवाइड करके देखते, तो 5 से तो बहुत सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको ऑप्शन दिए होंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी समझता है कि ग्रुप डी का एग्जाम है और कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है इजी वे में, तो इसी तरीके से आपको ऑप्शन दिए होंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में था इतना ही, और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के चैनल से, यानी कि जो टेलीग्राम का चैनल है हमारा, वहां से आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास टेलीग्राम है तो वहां पे डायरेक्ट सर्च करिए टॉपिक स्टडी, तो आप ये पीडीएफ ऑलरेडी भी पड़ी है वहां पे बहुत सारी, और आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए, फिर उसके बाद टॉपिक स्टडी सर्च करिए, फिर वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। डेली नई नई पीडीएफ मैं वहां पे अपलोड कर रहा हूं, और ये तो जितनी भी है जो मतलब शिफ्ट के एनालिसिस है वो भी मैं वहां पे लगातार अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो रहा। आशा करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया, अगर नहीं किया है तो जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।